हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं जनाब दीपक, और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट फैकल्टी रिक्रूटमेंट, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड, और जानेंगे कि इस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में जो है किसका रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल, वो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है आपको बस सर्च करना है दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर। जैसे आप इस पर सर्च करेंगे तो मेरा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैं कंटेंट जो अपलोड करता हूँ वो आपका रहता है आपका मोस्टली साइंस से रिलेटेड, जैसे कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, इन सब की पोजीशन से रिलेटेड। इसके अलावा जो है मैं रेगुलर बेसिस पे नीट के या CSIR, DBT, JRF या गेट या SMR, JRF से रिलेटेड जो है वो कंटेंट भी अपलोड करता हूँ। तो वो भी अगर आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट का या CSIR का या DBT का या गेट का, किसी भी साइंस से रिलेटेड अगर आप कोई भी नेशनल लेवल का जो है आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके जो है इसके कंटेंट को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए आपके लिए सारा कंटेंट भी बना रहा हूँ, चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका रहे, चाहे वो आपका एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो। तो अगर आपको मैं कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो है इसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जो है वो मिलता रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन है ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से आया है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको बस यहाँ पे एकेडमिक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप एकेडमिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है फैक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, एकेडमिक कैलेंडर। तो यहाँ पे आपको जाना है रिक्रूटमेंट पे। जैसे आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है रिक्रूटमेंट वाला जो ऑफिशियल पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय में रिक्त प्रोफेसर, तो देखिए यहाँ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं इन वैकेंसीज को। तो देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है वो, तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो नोटिफिकेशन वो डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया 30 जुलाई 2021 को आया है। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन जो अमर उजाला और हिंदुस्तान टाइम्स में भी पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये अमर उजाला में 31 जुलाई को मेंशन कर किया गया है, हिंदुस्तान टाइम्स में 1 अगस्त को। इसके अलावा अदर डेट भी मेंशन कर रखी है कि कब कब इसका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया गया है न्यूज़पेपर में। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट जो सब्जेक्ट है वो मेंशन कर रखे हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, हिंदू इतिहास। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए यहाँ वैकेंसीज को निकाला गया। और अच्छी बात यही यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, चाहे वो अनरिजर्व या जनरल हो या OBC, SC, ST, WS, सबकी सारी कैटेगरी में वैकेंसीज को निकाला गया और दिखाया गया कि किस किस कैटेगरी में वैकेंसीज हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपका जो भी PG डिग्री डिसिप्लिन जिस डिसिप्लिन में हो या आपका PhD डिग्री जिस डिसिप्लिन में हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे देखिए पूरा वैकेंसी दे रखा है। तो आप इन वैकेंसीज में जो है जिस सब्जेक्ट में आप जो है अपना PG डिग्री या PhD डिग्री आपने मेंशन कर रखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें सैलरी की तो आपका यहाँ पे ग्रेड जो रहेगा एकेडमिक लेवल 14 का रहेगा प्रोफेसर के लिए 1,44,200, वहीं एसोसिएट प्रोफेसर में रहेगा 1,31,400 और असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा एकेडमिक लेवल 10 विथ नेशनलाइज एंड NTPA ऑफ ₹57,700। ठीक है, तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन वो स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त 2021 को और जो इसका लास्ट डेट वो 31 अगस्त है। इसके अलावा यहाँ पे जो फीस सबमिट करने का लास्ट डेट है वो है 30 अगस्त 2021। तो यहाँ पर आपको 5 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में जो है अपना जो फी पेमेंट वो आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पे है जो लास्ट डेट है वो आपका एप्लीकेशन रिसीव करने का हार्ड कॉपी, तो यहाँ पे 31 अगस्त 2021। ठीक है, तो यहाँ पे 31 अगस्त तक आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स आपको सेंड कर देना है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे लाइक फी का कि आपको यहाँ पे कितना फी पेमेंट करना है आपको, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1,500 रुपीज़, वहीं अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 1,000 रुपीज़, OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं 1,000 रुपीज़, SC से 1,000 और ST से 1,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखिए यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं जो आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपका साथ जो है मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही आपसे यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा।
ठीक है। तो देखिए आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट या अपना एप्लीकेशन फॉर्म और अपने डॉक्यूमेंट जब भी भेजें तो वहाँ पे अपना विज्ञापन संख्या एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर मेंशन करें। इसके अलावा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे सेंड कर देना है कुल सचिव महात्मा गांधी विद्यापीठ वाराणसी 221022 यहाँ पे आपको सेंड करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म एलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सहायक आचार्य के लिए यहाँ पे जो है आपके वैकेंसीज़ को निकाला गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ होगा वो टू बेसिस पे होगा। एक आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो टू ऑन द बेसिस ऑफ टू मोड यू विल बी सेलेक्टेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पहला और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। बाकी जो है लाइक आपका एलिजिबिलिटी वो पूरा आपका रहेगा एज पर UGC गाइडलाइंस के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे सिलेक्शन रहेगा। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका PhD डिग्री जो है कंबाइन है। ठीक है। यानी मेंस कंपलसरी है। तो अगर आप जैसे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे PhD डिग्री आपका होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जो कि रूल आया UGC गाइडलाइन 2018 के अकॉर्डिंग कि अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको जो है PhD डिग्री होना कंपलसरी है। वहीं अगर आप किसी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका MSc प्लस नेट की बेस पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उस केस में भी ऐसा है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तब आपको PhD डिग्री होगा तभी आपका जो है प्रमोशन होगा असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर तक। ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके लिए आप UGC गाइडलाइन जो है 2018 उसे अच्छे से पढ़ें ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ये एक नोटिफिकेशन था और इसमें मैंने आपके डिस्कस किया असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट और प्रोफेसर के बारे में डिटेल में। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।